हम सब ने घास फूस मांसाहार खाने वाले जानवरों के बारे में तो सुना और देखा है, पर क्या आपने कभी ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो कोकीन खाता हो? Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. जी हाँ, सही सुना आपने। अमेरिका में एक भालू ने कोकीन खा लिया, वो भी 30 किलोग्राम। लेकिन ये भालू ड्रग एडिक्ट नहीं था, बल्कि उससे गलती हो गई। अब इस भालू ने कोकीन कैसे खाया और उसे इतनी भारी मात्रा में कोकीन मिली कैसे, ये कहानी बहुत दिलचस्प है और इसका अंत उतना ही दुखद। दुनिया की कई बेहतरीन फिल्में रियल लाइफ कहानियों पर ही आधारित होती हैं, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक ऐसे भालू पर भी फिल्म बन सकती है जिसने गलती से 70 पाउंड्स यानी लगभग 30 किलोग्राम कोकीन ड्रग ले लिया हो। लेकिन ये भालू ड्रग एडिक्ट नहीं था, बल्कि ये जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत बड़ी गलती थी, और वो भी एक इंसान की, जिसने इस बेजुबान जानवर की जिंदगी छीन ली। बात कुछ सालों पुरानी है, जब साल 1985 में ड्रग स्मगलर एंड्रियो शॉर्टिन ने मेक्सिको से उड़ान भरते हुए अमेरिका के जॉर्जिया में कोकीन के कुछ पैकेट फेंके थे। इनमें से एक पैकेट जॉर्जिया के एक नेशनल पार्क में जा गिरा था, जिसे गलती से भालू ने खा लिया और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई थी। स्मगलर बनने से पहले एंड्रियो नार्कोटिक्स पुलिस में भी था और वकालत की पढ़ाई भी कर चुका था। एक मेडिकल वर्कर ने इस भालू के बारे में बात करते हुए कहा था कि इस भालू ने बहुत ज्यादा कोकीन ले लिया था और ऐसा कोई जंतु नहीं है जो इतनी ज्यादा ड्रग्स लेने के बाद जिंदा बच पाया। जॉर्जिया ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के अनुसार 40 साल का एंड्रियो भी अपने प्लेन को ऑटो पायलट करने के बाद प्लेन से कूद गया था, लेकिन चूंकि उसका पैराशूट नहीं खुल पाया था इसलिए उसकी मौत हो गई थी। एंड्रियो के पास से कैश, गन और चाकू भी मिले थे, उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनी हुई थी और इसके अलावा वो नाइट विजन गॉगल्स लगाए हुए था। एंड्रियो और भालू की मौत उस दौर में काफी सुर्खियां बटोरने में कामयाब रही थी। जानवरों द्वारा कोकीन खाने का ये कोई आखिरी मामला नहीं था। इसके बाद साल 2019 में इटली में जंगली सुअरों के समूह ने तस्करों द्वारा छिपाकर रखे गए 15 लाख के कोकीन को खा लिया था। ड्रग तस्करों को जब इस बात का पता चला तो उनके होश उड़ गए। ये घटना ओरेजो के पास टक्सन देहात के वल्दीचियाना घाटी में स्थित जंगल में घटी थी। इस इलाके में जंगली सुअरों की तादाद बहुत ज्यादा है। सुअरों के समूह ने जब सीलबंद पैकेट्स को देखा तो कौतूहलवश उन्होंने उसे फाड़कर खा लिया और कुछ हिस्से को जमीन पर बिखेर दिया। इन ड्रग्स की कीमत 15 लाख रुपए से ज्यादा की थी। वहीं इस बात का पता नहीं चल सका कि कोकीन खाने के बाद सुअरों के ऊपर इसका क्या असर पड़ा। बहरहाल, अब इस भालू और उसकी लाइफ पर फिल्म बनेगी। इस फिल्म का नाम कोकीन बियर होगा और इसे हॉलीवुड डायरेक्टर एलिजाबेथ वेंस डायरेक्ट कर रहे हैं। वैरायटी वेबसाइट के अनुसार इस फिल्म की स्क्रिप्ट जिमी वार्डन ने लिखी है, जो इससे पहले द रूममेट और द बेबी सीटर जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े रहे हैं। वहीं इस फिल्म को फिल लॉर्ड और क्रिस मिलेर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पहली बार होगा जब ये दोनों सेलेब्स यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ काम कर रहे हैं।